मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 जो पेज नंबर 36 पे है, हम उसका क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। आपने एचसीएफ में भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था, सेम वैसा ही इसमें करेंगे। सॉल्यूशन में 32 ए पार्ट में 32 एंड 48 दे रखे हैं। पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, सबसे पहले हम, ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 32 को हमने 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 16। 16 अगेन 2 से डिवाइड होगा, आंसर आ जाएगा 8। 2 की टेबल पे 8 आता है, डिवाइड करेंगे 4, फिर अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2, और लास्ट में क्या आ जाएगा 1। जब 1 आता है यानी हमारे सारे प्राइम फैक्टर कंप्लीट हो गए। सेम इसी तरीके से हम 48 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, दोनों 2 की टेबल पे आता है। 2 से 48 को डिवाइड करेंगे, आंसर हो जाएगा 24। इसके बाद 2 से अगेन डिवाइड करेंगे 12, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 6। जो आंसर आता है वो हम नीचे राइट करते हैं। जैसे यहाँ 6 आ गया, 6 को अगेन 2 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे आंसर क्या आया 3। अब 3 2 की टेबल पे तो नहीं आता है, 3 अपनी टेबल पे आता है, तो हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। अब हम इसके प्राइम फैक्टर राइट कर लेंगे। हमने 32 के सारे प्राइम फैक्टर राइट कर लिए, 48 के सारे प्राइम फैक्टर राइट कर लिए। अब हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम इसके कॉमन मल्टीपल को एक बार लिखेंगे। अब ये 2 एंड 2 कॉमन है, तो हमने एक बार यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ पे भी 2 दोनों में कॉमन है, अगेन यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ पे भी 2 कॉमन है, हमने यहाँ राइट किया। और लास्ट वाला नंबर 4, नंबर 4 हमने 2 यहाँ राइट कर दिया। अब कितने नंबर बचे हैं? एक नंबर बचा हुआ है 2 और दूसरा है 3। इन दोनों नंबर को भी हम साथ में एंड में राइट कर देंगे। अब हम इन सभी की मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, और फिर 32 3 96। आपका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरीके से हम बी पार्ट करेंगे। पहला आपका 50 दे रखा है, लास्ट में 0, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमने इसको 50 को 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 25। अगेन अब 25 है, 2 की टेबल पे नहीं जा सकता क्योंकि ये ओड नंबर है। फिर 3 की टेबल पे चेक करेंगे, 3 की टेबल पे भी नहीं जाता। फिर हम 4 की टेबल पे नहीं चेक करेंगे, 4 कंपोजिट नंबर है, हम सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। फिर 5 नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, हमने इसे 5 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ गया 5। अब 5 बचा 5 तो अपने टेबल पे जाता है, अगेन हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 1। सेम इसी तरीके से हम 75 लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, और फिर 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे। अब हम इसके कॉमन मल्टीपल्स फैक्टर्स राइट करेंगे। कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए इसके हमने फैक्टर राइट कर लिए। अब हम एलसीएम निकालेंगे, जो चीज़ कॉमन है पहले वो राइट करेंगे। कॉमन है 5 यहाँ राइट कर लिया, दूसरा ये कॉमन है 5, ये हमने यहाँ राइट कर लिया। अब कितने नंबर बचे हैं? एक यहाँ पे 2 बचा हुआ है और 3 बचा हुआ है, हम इन दोनों नंबर्स को भी यहाँ पे राइट कर लिए। सारे नंबर्स हमने राइट कर लिए, पहले कॉमन लिखे, कॉमन के बाद जितने भी डिजिट बच जाती है फैक्टर्स की वो हम एक साथ राइट कर लेंगे, और फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, और 50 3 ज़ा 150, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट में आपके 3 हैं, 3 भी आप इसी तरीके से तीनों राइट कर लेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। हम उसका कॉमन जो भी फैक्टर है राइट करेंगे, और बचे हुए नंबर एक साथ राइट करके आंसर करेंगे। थैंक यू।